गाइस दिस इज रेकी एंड वेलकम बैक टू रेकी भाजो व्लॉग्स अगेन। सो आज अपने सामने BMW 3 GT। तो सबसे पहले ना गाड़ी के ओनर से मिलवा देते हैं, गाड़ी के बारे में और सारी डिटेल वगैरह सब कुछ बाद में बताएंगे, पहले गाड़ी के ओनर से मिलवा देते हैं। ये है सौरभ तुशीर भाई, जो अपने चैनल पे पहले भी आ चुके हैं स्कॉर्पियो लेके, काली स्कॉर्पियो लेके। तो वापस से आ जाते हैं भाई अपनी वीडियो पर। तो भाई बीच में आ गया था डिस्ट्रैक्शन वाला मामला। तो ये भाई अपने सौरभ भाई जो काली स्कॉर्पियो लेके पहले चैनल पे आ चुके हैं। भाई एक और बार आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले गाड़ी को बता दो, गाड़ी का क्या डिटेल्स वगैरह और ये क्यों ली BMW 3 GT ही? भाई ये BMW 3 GT है। हाँ, 2015 मॉडल। 2015 मॉडल है। मेन की थोड़ा लग्जरी लाइन में जाना था। अच्छा अच्छा, तो क्या डीजल है, पेट्रोल है, ऑटोमेटिक वगैरह सारी हर एक चीज है? हाँ हाँ, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस गाड़ी के साथ? सो जैसा कि भाई ने बताया, ये है ऑटोमेटिक डीजल में 2015 मॉडल। भाई एक चीज देखी जाए, 2015 में भी BMW कितनी शानदार लगती थी। पहले वाली जिससे थोड़ा सा लुक उनका बायोमेट्रिक सा लगता था, लेकिन ये वाली बिल्कुल फंकी फैंसी वाली लगती थी, क्लास की एक चीज जिसे कहते हैं। हाँ, लग्जरी लाइन है, जैसा कि इस पर टैग भी दे रखा है BMW कंपनी ने, एज यू कैन सी लग्जरी। तो भाई प्रॉपर लग्जरी कार, मतलब रेसिंग भी बना दी भाई। 3 GT सीरीज तो आपको मतलब रेसिंग वगैरह में आती है, और प्रॉपर ये लग्जरी भी बना दी। तो आपका अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ, और कहाँ कहाँ ले जा चुके गाड़ी को? भाई कंफर्ट, पावर, और मतलब जो एक गाड़ी में चाहिए ना, तीनों चार। ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? ब्रेकिंग ओके है, मतलब चारों डिस्क है या फिर कैसे दे रखा है? चारों डिस्क दे रखे, ABS वगैरह सर हर एक चीज है। तो क्या प्राइसिंग रही भाई इसकी गाड़ी की आपकी? ये भाई ये नियर अबाउट पड़ी थी 23 पड़ी थी। अच्छा, आपने सेकंड हैंड ली थी क्या? तो कब ली आपने रिसेंटली? ये लास्ट ईयर जून में ली थी भाई। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ तक जा चुके भाई इस गाड़ी के साथ? भाई इसके साथ मैं से भी ऊपर जा चुका हूँ, मतलब पहाड़ों के एरिया में एक सेडान को ले जा चुके। आपने तो भाई अज्जू को भी फेल कर दिया, वो तो वो एक प्रॉपर एक एस क्रॉस ले सकते हो, मतलब क्रॉसओवर गाड़ी थी, उनका सेगमेंट अलग था, तो वैसे चली गई थी। लेकिन ये तो आपकी प्रॉपर सेडान है, वो आई है चैनल पर। भाई आपको मतलब लगभग एक साल से ऊपर हो गया गाड़ी के साथ, तो आपको कोई प्रोज एंड कॉन्स लगे गाड़ी के जो अब तक आपको लगे? कॉन्स तो कोई नहीं लगा आपको? ये है कि कहीं अगर भाई पहाड़ी एरिया में या फिर कहीं पे अपनी गाड़ी ऐसी लेके जाओ, तो एक बार चेक करा के लेके जाना, क्योंकि हमारे साथ बन गई थी। अच्छा, क्या स्टोरी बनी भैया? फ्रंट के डिस्क पैड खत्म हो गए थे बिल्कुल। अच्छा, तो रीजन बिहाइंड ये चेक नहीं किया था, सर्विस नियर बाय थी, जल्दी जल्दी में यही चूज कर रहा था, स्कॉर्पियो ले जाऊं या लेके जाऊं, फिर जल्दी में ले गया था, इसलिए चेक भी नहीं कराई थी। अच्छा अच्छा, स्कॉर्पियो तो आई थिंक आप काफी सारी जगह ले जा चुके हैं, फर्स्ट टाइम आप पहाड़ों में लेके गए हो जैसे। अच्छा, तब आ गए इंटीरियर में। तो रिसेंटली भाई आप इसको लेके गए थे सिसु में, जेड में गाड़ी को। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा, रात को चलाई गई गाड़ी पहाड़ों पे जेड में? क्वालिटी अच्छी थी फिल्म की, फ्रंट भी जेड था जैसे मेरा, तो तभी भी मतलब कर लिया जैसे तैसे मैनेज। तो भैया जैसे मैं इंटीरियर में देख रहा हूँ ना, काफी क्लासिक इंटीरियर बना रखा है, एनालॉग के साथ थोड़े डिजिटल पार्ट दे रखे हैं, MID वगैरह जो दे रखे हैं वो डिजिटल दे रखे हैं इसमें। तो काफी सारी चीजें हैं इसमें, एक आध कमी की भी जो मेरे को भी लगी, और सब तो आप बता ही दोगे, जैसे कि इसमें आई थिंक एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं होगा, तो ये चीजें आपको भी लगी होंगी कि हाँ कमी तो है, चाहे लग्जरी लाइन है। तो और भी आपको क्या लगे कि कौन मेरे को ये चीज लगी? और ये जो आपको ये खोलने के बाद दिखेगी ना आपकी खिड़कियां, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने गाड़ी अनलॉक करी ना और गेट खोला, ये अपने ग्लासेस नीचे चले जाते हैं, और जैसे ही बंद करूंगा और देखो ये ऊपर चले गए ग्लासेस। तो ये भी एक BMW ने बड़ा तगड़ा सिस्टम दे रखा था, इन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं ना, फ्रेमलेस डोर्स, प्रॉपर वर्डिंग ये है इनकी। तो कितनी चला दी भाई अब तक ये लेने के बाद? ये लेने के बाद करीब 40,000 के करीब चला दी, जब ली थी जब 22-23,000 चली थी, अब देख लो 64 चली। मजा आ रहा है, मतलब फुल गाड़ी में। टॉप स्पीड कितनी चला दी भाई गाड़ी की? मैंने आज तक ये अराउंड 220 टच कराई है। अरे वाह, मतलब इससे ऊपर जा सकती है या नहीं कभी सोचा? जा सकती है, फुल पोटेंशियल है इसका। चलो इस चीज में तो मतलब GT लाइन है, तो GT वाले काम तो होने ही होने हैं गाड़ी के साथ। BMW है, पावर की चीज है BMW। बिल्कुल, BMW तो जानी अपनी पावर की वजह से जाती है। तो ये रियर व्हील ड्राइव है, बर्नआउट तो आपने खूब करे होंगे इस पे, है रियर बर्नआउट और ड्रिफ्ट वगैरह? तो शौक मतलब सारे पूरे कर लिए जेड वगैरह के, तो सही है भाई, अपना गाड़ी लो तो अपने एक बार सारे शौक जरूर पूरे करके जाओ। यूनिक भाई एक बार ले ली तो अपना फॉर्मेलिटी से करके छोड़ दी।
और तो भाई आपको फीचर्स भी बता देते हैं, और इसके अलावा क्या क्या फीचर है भाई अपने ही अब वर्डिंग से बता दो, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ। ऑटोमेटिक बूट है जैसे, और मतलब स्पीड लिमिटर है। स्पीड लिमिटर में क्या होता है? मतलब ये होता है कि जैसे एक आप जहाँ पे मतलब आप 80-100 तक ही चलाना चाहते हो तो लिमिटर लगा दो, उसके बाद आप पूरा पंजाबी दोगे तो भी वो स्पीड उससे ऊपर जाएगी ही नहीं। अच्छा अच्छा ऐसे भी फीचर आते हैं। एवरेज में भी हेल्प करती है ये, बाकी भी मतलब मतलब जिस जिनका यूं होता है कि भाई पंजा हैवी है और मतलब बार बार दबाने को रहता है, तो एक बार स्पीड लिमिट सेट कर दो, दबाए रखो, 100 से ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे 80-100 से ऊपर, तो ये चीज बड़ी कामयाब है। इसके अलावा और कोई फीचर जो आपको लगा कि बेनिफिट में काफी रहा? ऐसा एक और देखा भाई मैंने, ये जो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स है अपनी आगे पीछे की, ये इलेक्ट्रॉनिक है मतलब ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी, तो ये फीचर भी काफी ठीक लगा। स्पेस के मामले में कैसी लगी हुई आपको? भाई काफी स्पेशियस है, मतलब मैं मर्सिडीज में बैठा हूँ, CLA 200 में बैठा हूँ, उसमें मतलब भिज जाते हैं बिल्कुल, जैसे बोलते हैं मर्सिडीज को लग्जरी कंफर्ट कुछ नहीं था उसमें। अच्छा, मतलब इसमें जो है प्रॉपर लेग रूम है, अब मैं पूरी पीछे सीट करके बैठूंगा तो भी कोई मेरे पीछे बैठेगा तो बिल्कुल कंफर्ट आराम से बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसे कहते हैं गाइस प्रॉपर लग्जरी लाइन, जिसमें अब पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ही ना हो अगर आगे भी कोई बैठ जाए तो। इसके अलावा गाड़ी के आपको आउटलुक और दिखा देते हैं, जो इसका एक और फीचर काफ़ी अच्छा लगा था और वीडियोस में भी काफ़ी चला है, वो है इसका बटन दबाने के जब अपनी हुड ओपन होती है ना। एंड गाइस उसके अलावा जो ये पीछे का स्पॉइलर है ये भी अपना ओपन हो जाता है, तो भैया एक बार इसको भी ओपन करके दिखाओ। पीछे से आप गाइस देख सकते हो BMW GT की कितनी ज़बरदस्त लुक आती है। तो भाई अभी दिखाते हैं आपको सिस्टम, जो असली तगड़ा सिस्टम है इसका, और वो है ये स्पॉइलर अपने आप बंद भी हो जाता है और ओपन भी हो जाता है, तो बड़ी तगड़ी सिस्टम लगता है ये। एक बार इसी के साथ बूट भी ओपन करके दिखा देते हैं, बूट में भी कितनी ज़्यादा जगह है इसकी, दिखा दूँ ना बूट, तो बूट देख सकते हो आप गाइस कितनी ज़्यादा बूट में स्पेस है, और यहाँ पे भी रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा था, ये दबा दूँ तो। अच्छा ले भाई ये भी दिखाना पड़ेगा, तो भाई ये एक और सिस्टम पता लगा इसमें, अगर इसको दबाएंगे तो ये हो जाएगी ओपन गाइस, और अगर आपको यूं ही बंद करनी है आपके हाथ में सामान है निकालने के बाद, बस एक बार इस बटन को दबा दो तो ये हो गई है गाइस बूट बंद। इसी के साथ आपके की में, कार की की में भी फंक्शंस आते हैं कि आप बूट को ओपन करो, एक ऐसा फंक्शन है कि आपके ग्लासेस भी नीचे चले जाएंगे, सनरूफ भी खुल जाएगी, एंड साथ के साथ आपकी बूट भी खुल जाएगी, तो वो फीचर भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ करके। ये आ गई है गाड़ी की अपने साथ, और इस अनलॉक के बटन को अगर दबाए रखेंगे तो आप देख सकते हो कैसे हो गए गाड़ी में फंक्शंस एंगेज, ये खुल चुके हैं गाइज अपने ग्लासेस, एंड इसी के साथ बूट भी ओपन हो जाती है। बूट का बटन ये है, ये दबाए रखेंगे तो ये हो गई है गाइज अपनी बूट ओपन। मतलब हर एक चीज़ ऑटोमेटिक है यार, अभी ऑटोमेटिक के फायदे भी है, लग्जरी लाइन के यही फायदे हैं यार, मतलब काफ़ी सारे फायदे भी नहीं है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपको लग्जरी लाइन और कम्फर्टनेस मिलता है, नुकसान ये है कि आप अपनी और गाड़ियों से मैनुअल गाड़ियों से दूर रहते हैं, ये आलस बढ़ाती है ये चीज़ें। और ये चीज़ आप लाइव एग्जांपल भी पूछेंगे भाई से कि क्या उनका एक्सपीरियंस है इस चीज़ के साथ। अब मैं इसी को दबाए रखूँगा बूट के बटन को, तो ये साथ ही साथ नीचे भी आ जाएगी, देख सकते हो आप जैसे कि आ चुकी है नीचे, और ये दबानी रखनी पड़ेगी आपको, तो ये आ जाएगी नीचे। वाह भाई वाह, हर एक चीज़ ऑटोमेटिक, तो भाई के साथ आ जाते आप। हाँ ये होगी भाई ऑटोमेटिक बंद। भाई एक और क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ही क्यों आपने प्रेफर करी कि मैनुअल? तो BMW तो ज़्यादातर मैनुअल ही लेते हैं लोग, ताकि अलग ही मतलब मैन भगाने वाले लोग ज़्यादातर प्रेफर मैनुअल को ही करते हैं। प्रॉपर ऑटोमेटिक ऑन नहीं की थी कभी। अच्छा अच्छा, तो ये एक वो लेना था आपको, मतलब बहुत दुनिया आसमान का फर्क है ट्रैफिक में, एक्सपीरियंस लेना था। चलो कोई नहीं, तो कंफर्ट की बात आ जाती है ना। हाँ हाँ, हो गई गाड़ी के बारे में बातें। अब एक बार पूछ सकते हैं भाई मोड्स क्या क्या करा रखे गाड़ी पे? पहला तो इसके फॉग लैंप्स चेंज है। अच्छा अच्छा, ये कंपनी वाले फॉग लैंप नहीं है? नहीं, कंपनी से येलो आते हैं तो बड़े ओड से फील करते होंगे। अच्छा अच्छा, तो ये व्हाइट में आपने जबरदस्ती कराए, ताकि थ्रो कैसा भाई इनका? थ्रो बहुत जेन्युइन है इनका। अच्छा, मतलब अच्छा। अभी पार्ट में गया था तो प्रॉपर हेल्प की थी। अरे भाई मैंने देखा है फ्लिकर भी होते हैं, वो फ्लिकर वो का क्या राज है? हाँ कूल तो लगते हैं, मतलब मेरे को लगा कि एक फीचर ही आता होगा BM के साथ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो भाई बता रहे थे एक, तो लगते कूल है वो चीज़। और क्या क्या करा रखे है भाई इसके साथ? और जैसे हेडलाइट्स पे PPF करा रखी है भाई, मतलब
शाइन बनाने के लिए। यहाँ पे भी आपने पीपीएफ करा रखे ताकि पीली पीली ना लगे हेडलाइट से, ऐसा कुछ सिस्टम? और मतलब इससे क्या होता है जैसे बफिंग वगैरह कराते हैं वो सब कराते हैं, उससे ज्यादा प्रेफर यही करते हैं क्योंकि इससे शाइन बनी रहती है गाड़ी की। अच्छा अच्छा, वॉशिंग करने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी ये चीज। और इसके अलावा देख लेते हैं ORVM पे आपको PPF देखने को मिलेगी। शुरू में लगा मेरे को एक रेगुलर रैप या टेप होंगी, लेकिन ये प्रॉपर PPF है। तो भाई आपकी नॉलेज में PPF और रैप में क्या फर्क है? PPF बेटर है पेंट, मतलब एक तो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है और बाकी स्क्रैचेस वगैरह से भी बचाती है और इजीली फटती भी नहीं है, जैसे अगर कहीं लग जाए और वो सब इजीली फटती है। अच्छा, ये चीज़ है क्या कि जब उतारते तो पेंट को नुकसान ना पहुंचाए, वो PPF होती है और जो नुकसान पहुंचाए वो रैप होता है। तो ये डिफरेंस है भाई अपना रैप और PPF में। विंग पे भी ब्लैक PPF है, यही विंग पे आपको ब्लैक PPF देखने को मिल जाएगी। भैया अब आ जाते हैं एक बार माइलेज वाली चीज़ पे। मैं जानता हूँ ये कि आप BM लेने के बाद कोई माइलेज वगैरह नहीं सोचेगा, लेकिन फिर भी अच्छा सोचते हाँ तो ये चीज़ होगी अगर पेरेंट वर्जन वाले लोग चलाएं ना तो वो नहीं सोचेंगे, लेकिन अपना थोड़ा यूथ वाला काम हो जाता है, कमाते नहीं है तो थोड़ी सोचनी पड़ती है माइलेज का काम। तो क्या माइलेज करती है अपनी गाड़ी प्रोवाइड? नॉर्मल सिटी में भाई देती है 10 के करीब, हाईवे पे 12-13। अच्छा, तो ये डीजल होगी इस वजह से आपको इतनी ले रही है अब। और यही स्कॉर्पियो होती? कोई और फर्स्ट हैंड भी ले सकते, तो सेकंड हैंड आप लग्जरी लाइन को कैसे प्रेफर करोगे कि ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सीरियस बताऊं तो नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, रीजन बिहाइंड इसका भी कुछ? रीजन बिहाइंड ये होता है मतलब हमें तो इतने खास इश्यूज आए नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा स्टीयरिंग वगैरह में आया था, मतलब ली थी तभी एक महीने के विदिन, तो वो तो जिससे ली थी डीलर से उसके साथ मतलब थोड़े बहुत उसने भी दे दिए थे पैसे, वो तब हो गया था। बाकी मतलब ऐसा होता है कि थोड़े टाइम बाद इश्यूज आने लग जाते हैं गाड़ी में सेकंड हैंड ही होती है। अगर कोई बेच रहा है तो कुछ हिसाब पिटा के ही बेचता है गाड़ी में, यही मेरा एग्जांपल रहा अपनी गाड़ी के साथ भी, तो सेकंड हैंड चीज में भी थोड़ा प्रेफर नहीं करता इस वजह से। तो कहीं मतलब आज से पहले ली नहीं थी कभी ऐसी, मतलब सेकंड हैंड सुपर टाइप कार, तो एक्सपीरियंस के लिए शौक भी पूरा हो गया, एक्सपीरियंस भी पूरा हो गया। और अगर इसके बाद अगर किसी गाड़ी पर जाना चाहोगे तो क्या सजेशंस रहेंगे? इसके बाद तो देखो सोच रखी है एक दो लग्जरी लाइन या कोई नॉर्मल गाड़ी आई, बहुत ऊपर की लाइन है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, वो भी चैनल पर जल्दी आ जाएगी। एक बार इसी के साथ गाड़ी को एक बार चला के भी देख लेते हैं और उसका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं कैसा रहता है। सो गाइस अब आ चुके हैं BMW ऑटोमेटिक 3GT के अंदर और आप एक बार देख सकते हो जैसे डी पे लगा के मैंने बिल्कुल ब्रेक प्रेस कर रखा और जैसे ब्रेक छोड़ता हूँ मैं तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ती रहती है। और जैसे कि नॉर्मल सेगमेंट की गाड़ी आप चलाओगे ना XUV टाइप ऑटोमेटिक में तो उनको आपको एक्सेलरेट उन्हें करना पड़ेगा जब भी जाके वो चलेंगी, नहीं तो कुछ अपना एक्शंस नहीं लेती वो कि एक्सेलरेट हो जाए अपने आप ऑटोमेटिक। और इसी के साथ आप गाड़ी में एक बार देख सकते हो यहाँ पे भी आपको इको मोड और स्पोर्ट मोड देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने ब्रेक छोड़ा वापस से गाड़ी बंद हो गई थी और दोबारा ब्रेक दबाया तो वापस से गाड़ी स्टार्ट होगी। ये ऑटोमेटिक सिस्टम 2015 से ही चलता आ रहा है। स्पोर्ट्स मोड में भाई कैसा इसका एक्सपीरियंस है भाई? भाई नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। कंफर्ट और स्पोर्ट कभी मान लो अलग, दो अलग गाड़ियां हैं। कभी आपने कोई ड्रैग रेस करी हो या कोई एग्जांपल हो ड्रैग रेस का कि इस गाड़ी के साथ मैंने इसके साथ करा कंपेयर एक रेस में उसमें क्या रहा? ऐसी प्रॉपर ड्रैग रेस तो की नहीं पर मैंने वैसे नॉर्मली की है CLA के साथ की है 200 के साथ। तो क्या रहा? बहुत सेविंग करती है जैसे अभी इको में चला के लाया हूँ मैं तो इसने नियर अबाउट में 18.5 किलोमीटर बचा लिए इसने। अच्छा, तो बूस्ट होके होती है और मतलब ऐसे ही 100-120 तक स्पीड पे ही वो चलती है इको प्रो। अच्छा अच्छा, हाँ तो मतलब उससे ही होता है कि बैटरी जब ब्रेकिंग करते हैं तो पावर भी जनरेट होती है उससे, फिर मतलब फ्यूल बचता है थोड़ा। तो थोड़ा बहुत कुल मिला के छोटे मोटे फीचर्स आपकी फ्यूल सेविंग करती है। हाँ। तो गाइज यही सब था और आप इंटीरियर देख ही सकते हो गाड़ी का। मैं एक बार अपनी तरफ कैमरा लेके दिखा देता हूँ।
तो ये है कुछ गाड़ी का इंटीरियर। तो ऐसे ही X4 में जब हम बैठे थे, X4 का थोड़ा आपको SUV कैरेक्टर लगेगा, लेकिन ये जो सेडान कैरेक्टर है भाई, इतनी लंबी गाड़ियाँ हो जाती है, जल्दी से मुड़ती भी नहीं है गाड़ियाँ, तो काफ़ी मुश्किल होते हैं इन्हें चलाने में भी। इसके लिए भी एक अलग ही जिगरा होना चाहिए कि आप अपने हरियाणा वाले साइड चलाए दें। तो गाइज यही सब था वीडियो में, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भूलना। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, बाय बाय, जय हिंद।